जनरल हरपाल सिंह जो फॉर्मर DGBRO हैं वो खुद मौजूद हैं, जनरल वीके सिंह और साथ में पुष्कर सिंह धामी हैं। अब सवाल बिल्कुल मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी मनीष, अभी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 3 घंटे बाद टनल से बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। वो अंदर थे जैसे ही जानकारी मिली थी कि ब्रेक थ्रू हो गया है, जैसे ही जानकारी मिली थी कि पाइप को अंदर डाल दिया गया है, वैसे ही पुष्कर सिंह धामी टनल के अंदर गए थे, अंदर मौजूद रहे और तकरीबन 3 घंटे बाद अब वो बाहर निकले हैं। अब वो बाहर निकले हैं तो अपने साथ क्या खुशखबरी लेकर आ रहे हैं, इसी पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार 17 दिन से हर रोज मौके पर जाते रहे और उन्होंने मजदूरों से लगातार संवाद भी किया, लगातार ये सुनिश्चित करवाया कि जो मजदूर अंदर हैं, जो अंदर फंसे हुए हैं, उन्हें किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो, उन्हें किसी चीज की अगर जरूरत है तो वो जल्द से जल्द मुहैया करवाई जाए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर इस ऑपरेशन को सफल बनाना चाहती थी और उसकी एक एक कोशिश होती हुई इन 17 दिन में हम सब ने देखी है। अब पुष्कर सिंह धामी बाहर निकल आए हैं इस टनल से और उम्मीद ये जताई जा रही है कि टनल के अंदर दूसरी तरफ यानी मलबे से दूसरी तरफ जो मजदूर 17 दिन से फंसे हुए हैं, जो 41 जिंदगियां 17 दिन से फंसी हुई हैं, उन्हें अब जल्द ही बाहर निकाल लिया जाएगा। यानी कुछ घंटों का ये फासला हो सकता है, कुछ देरी का ये फासला हो सकता है जब इन मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। तो जिस तरीके से युद्ध स्तर पर काम किया गया है, देखिए इस टनल से मजदूरों को बाहर निकालने का जो काम था वो बहुत आसान नहीं था, हर एक कदम पर मुश्किलें बढ़ती जा रही थी, हर एक कदम पर जो प्लान रेस्क्यू दल की तरफ से बनाए जा रहे थे, जो एजेंसियों की तरफ से बनाए जा रहे थे, वो प्लान हर कदम पर फेल हो रहे थे, लेकिन मनोबल नहीं टूटने दिया ना अंदर फंसे मजदूरों का, ना ही रेस्क्यू में लगे लोगों का। देखिए अब पुष्कर सिंह धामी यहां से रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी ने आज दोपहर ही ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी थी कि खुदाई का काम पूरा हो चुका है और ब्रेक थ्रू कर दिया गया है। ब्रेक थ्रू का मतलब यह है कि जो पाइप अंदर जाना था, जिस पाइप को लगातार पुश किया जा रहा था मजदूरों की तरफ, उस पाइप को पूरी तरीके से पुश कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ये भी जानकारी दे रहे थे कि रोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उनसे फोन पर बात होती है, रोज पीएम को एक एक डिटेल की जानकारी दी जाती है, प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से भी इस पूरे ऑपरेशन पर, इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए थे। प्रधान सचिव पीके मिश्रा भी उत्तरकाशी पहुंचे थे, वीके सिंह केंद्रीय मंत्री वो भी टनल के अंदर मौजूद हैं, 17 दिन से लगातार वो वहीं पर कैंप किए हुए हैं, नितिन गडकरी भी पहुंचे थे हालात का जायजा लेने के लिए। और अब जब ये आखिरी चरण में ऑपरेशन पहुंच चुका है और जब मुख्यमंत्री अंदर मौजूद थे, अब मुख्यमंत्री इस टनल से बाहर निकल गए हैं, यानी मुख्यमंत्री यहां से रवाना हो गए हैं। NDRF और SDRF की टीम अंदर मौजूद है और जैसा भी मनीष जानकारी दे रहे थे कि एक बार वो मॉक ड्रिल कर ली गई है, एक बार वो रिहर्सल कर लिया गया है कि कैसे अंदर से वर्कर्स को खींचा जाएगा, और इसके लिए बाकायदा NDRF और SDRF के जो जवान हैं वो दूसरी छोर पर जाकर वापस भी आ चुके हैं, जिनका स्वागत किया गया तालियां बजाकर, उस वक्त मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। मेरे साथ खास मेहमान भी इस वक्त जुड़ रहे हैं, इस वक्त नवीन भटनागर हैं, पूर्व DIG NDRF मेरे साथ, अजय आलोक जी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं अब से थोड़ी देर में, और डॉक्टर संजय कुमार टनल एक्सपर्ट भी हमारे साथ हैं। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें आ रही हैं वो सुखद तस्वीरें हैं और एक एक पल जैसे जैसे गुजर रहा है वैसे वैसे आप समझिए कि ये कुछ मीटर का जो फासला है वो